हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। ये देश ऐसे उठेगा कि कभी आपने देखा नहीं होगा, और मरने से पहले मैं जरूर वो देश देखूंगा जिसे मैं कहूंगा गांधी तेरा देश बन गया, शेख अब्दुल्ला तेरा देश बन गया, नेहरू तेरा देश बन गया, आजाद तेरा देश बन गया। और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो काले पानी में मर गए, जलियांवाला बाग में मर गए, उनसे भी जाके कहूंगा तुम इस देश के लिए सो गए मगर आज वो देश तुम्हारी मेहरबानी से जिंदा है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, मेरे साथ जरा जोर का नारा दीजिए, जय हिंद। अरे हाथ उठा के क्या मर गए हो, हाथ उठा के जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चौकीदार, 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 बस यही तो गली गली में शोर है कि यही गली गली में शोर है कि माखनलाल, बस मैं कहता हूं इसका जवाब दे दो अच्छा रहेगा। निप द बट इन द बिगनिंग, तीन चार सवाल तो हैं। ये मत कहो कि उन्होंने, रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दे दिया है। अच्छा मैं सब बोल चुका हूं, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में चाहे जिस आधार पे वहां जजमेंट उसका मैं सम्मान करता हूं, बट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फैसला दे दिया है। अगर आप सच सच बोल ही दोगे, एक बार और बोल दोगे, तो क्या छोटे हो जाओगे आप? क्या 56 इंच की छाती जो है वो 6 इंच की हो जाएगी? अरे बोलो ना एक बार, सामने खुल के बोलो। आप अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की असीम अनुकंपा से, आपने इस तरह से 5 साल राज किया करीब करीब, ये जो आपका प्रधानमंत्री बन के उदय होना हुआ, तो आपकी जिम्मेदारी है भारत के प्रति, आपकी जिम्मेदारी है भारत की जनता के प्रति। लोग मुझसे कहते हैं कि आप ऐसी बात क्यों करते हैं, मैं कहता हूं देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का अवश्य हूं, अभी तक न पार्टी ने मुझे छोड़ा है न मैंने पार्टी को छोड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं भारत की जनता का हूं। मेरी जवाबदेही, मेरी जिम्मेदारी भारत की जनता के प्रति है, और इसलिए भारत की जनता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उनके प्रति अपने जिम्मेदारी के एहसास को मानता हुआ। आज ये इस कागज से साबित हो गया, अफसरों की एक भी नहीं चली, अनिल अंबानी को ठेका देने का काम किसने किया? हमारे देश की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको खारिज करके अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका देने का निर्णय किसने लिया? नरेंद्र मोदी जी ने खुद पर्सनली वो निर्णय लिया दोस्तों। अब यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी इस पूरे भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हैं। आज इस मंच के जरिए अभी ममता दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा, मीडिया वाले सारे डरे हुए हैं, कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं छापेगा, केवल हिंदू वालों की थोड़ी हिम्मत हो रही है कि वो छाप रहे हैं। सलाम करते हैं हम इंद्राम साहब को, नहीं तो 4 दिन अगर रफेल की सच्चाई ये मीडिया वाले दिखा दे, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, इतना बड़ा घोटाला है ये आजाद देश का। दोस्तों आज मैं इस मंच के जरिए मोदी जी से पूछना चाहता हूं, रफेल के अंदर 600 करोड़ का 1600 करोड़ में जहाज खरीदा आपने, कोई वो चाचा तो लगता नहीं था रफेल वाला, कुछ तो पैसा लिया होगा कि नहीं लिया होगा, या फ्री में दे दिया 1000 करोड़ रुपए हर जहाज पे, कुछ तो पैसे लिए होंगे। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं वो पैसे किसके अकाउंट में गए, आपके अकाउंट में गए, अमित शाह के अकाउंट में गए, बीजेपी के अकाउंट में गए, किसके अकाउंट में वो रिश्वत का पैसा गया जो रफेल का 36 जहाज थे, हर जहाज में 1000-1000 करोड़ रुपए, 36000 करोड़ रुपए का फायदा जब आपने उस कंपनी को दिया, तो उन्होंने 10% 20% 30% कुछ तो दिया होगा, कितना दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, वो पैसा किस अकाउंट में गया, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं दोस्त। देश के सामने जो संकट है, इस संकट से
लोगों की छुटका करने के लिए आज मिलकर एक ताकत खड़ी करने की आवश्यकता है। इस पर इन दोनों ने ध्यान दे दिया और एक नया संघर्ष का रास्ता देश के नए पीढ़ी को देने का काम उन लोगों ने किया है। आज का यहाँ का ये कार्यक्रम जब प्रजातंत्र पर हमला हो रहा है, इससे देश की संविधान को बचाने के लिए जो तानाशाही का संकट देश के सामने है उसको हटाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ये संदेश देने के लिए आज का मौला मुझे देश के फायदे की बात मददगार ऐसी बात सकती है। हम देखते हैं पिछले 4 सालों से 5 सालों से बहुत कुछ वायदे किए गए, मगर लोगों ने एक बार अधिकार देने के बाद इस अधिकार का गैर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यह बात मोदी जी के सरकार ने देशवासियों को दिखाई। कई ऐसे कदम उठाए आज तक कभी हमने देखा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और बताते हैं कि न्याय व्यवस्था कैसी संकट में आ रही है। कभी हमने देखा नहीं था, मगर मोदी जी के राज में ये हो गया। आज तक कभी हमने देखा नहीं था रिजर्व बैंक जैसी संस्था इसके ऊपर हमले करने का प्रयास इस देश में हुआ, मगर मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने ये भी किया। इस देश की कहीं भी संकट हो उसकी जांच करने वाली सबसे बड़ी जो एजेंसी है, इस एजेंसी में बगावत कैसी हो जाएगी, गजबाजी कैसी हो जाएगी, इस पर आज तक किसी ने कदम नहीं उठाया था। मोदी जी के सरकार ने रात को 2 बजे CBI को अधिकारों को यहां से यहां हटाकर यह जो व्यवस्था है ये व्यवस्था पर भी हमला करने का काम किया। अब सोचिए, सपना देखना आसानी है लेकिन सपना देखना जानना पड़ता है। मोदी जी, आपको सपना देखना आता नहीं है, आपको देश को तोड़ना आता है, हमें देश को जोड़ना आता है। इसी के लिए आने वाला दिन इकट्ठा होकर हम लोग लड़ेंगे। हमारा साथ कांग्रेस CPM का जो भी फाइट रहेगा स्टेट में रहेगा, नेशनल लेवल में हम लोग एक साथ में करेंगे। ये हम आप बड़ा दिल से हम कह दिया है, लेट देम फाइट अगेंस्ट मी, आई डोंट माइंड, बट फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन आई एम रेडी टू सैक्रीफाइस माई लाइफ, आई एम रेडी टू सैक्रीफाइस माई पार्टी, आई एम रेडी टू सैक्रीफाइस एवरीथिंग। क्यों हम याद करेंगे हमारे ऑफिसर लोगों को, हमारा नौजवान को जो देश को आजादी दिया था, जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब ताकती सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर पर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसी के लिए हम करेंगे, इसी के लिए हम करेंगे, चाहे हम किसी पे ना रहे, हमको रहना भी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, लेकिन हम एक सिंपल वर्कर का माफिक हम ये जरूर देखेंगे, मोदी ना आए, देश ना बेचे, देश ना हत्या करे, लोकतंत्र ना होता हो, मोदी हटाओ देश बचाओ, BJP हटाओ देश बचाओ, एकता बचाओ मोदी हटाओ, नौजवान बचाओ मोदी हटाओ, किसान बचाओ। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।